भी करने के लिए तैयार हूँ, तो सूरज के अगेंस्ट मुझे खड़ा किया गया है, उसे कपड़े मिलेंगे वो जीतेगा तो, और मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा, इसलिए अभी बस जीतना चाहता हूँ। दिमाग में एक जुनून है कि आज कुछ भी हो जाए सूरज को हराना है, मारना है, और काफ़ी बदल गया है विवान बेसिकली, तो अब दूसरों के बारे में सोचता नहीं, इसलिए बहुत कमाल का दंगल हो रहा है यहाँ पे, उससे ज़्यादा हमारी हालत ख़राब हो रही है, इतनी धूप में हम ये सब कर रहे हैं, और काफ़ी चोटें भी लगी हैं, सूरज को भी काफ़ी चोट लगी और मुझे भी, मेरी गर्दन सही से नहीं हिल रही है, तो मेहनत भी बहुत हो रही है और हम लोग बहुत इन्जॉय भी कर रहे हैं और बहुत खुशी है। एक्चुअली आज एक साल हो गया है हम लोगों को, हमने स्टार्ट किया था आज के दिन ही शूट करना। काफी स्टंट्स करते हुए दिखे हो आप, इतने गर्मी में कितना डिफिकल्ट होता है? हाँ, ऑफकोर्स मुश्किल होता है, इतनी ज़्यादा धूप है, और उड़ान में हमने आई थिंक साल भर के बाद कोई इतना बड़ा एक्शन सीक्वेंस किया, तो मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है और मैं बेसिकली बहुत पसंद करता हूँ ऐसे एक्शन। अभी मैं कमल नारायण जी के लिए काम करूँगा और थोड़ा अब सूरज और चकोर से दूर होता जाऊंगा और अब उन लोगों के साथ मिल गया हूं तो कुछ अलग से कारनामे करूंगा आगे जाके, और जो प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट सा विवान था वो अब खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, बचपन की यादें आ गई रहेंगी ना, रेसलिंग देखते थे वो चोक स्लैम वगैरह पटकते थे तभी तो। हाँ, मेरा भाई पटकता था मुझे। ओके, आज छोटा था, का सेट काफी बदल के दंगल के रूप में आ गया, ये तब्दीली कैसे आई? ये तब्दीली मेरा बाप ला है, जो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी लाते रहते हैं, हमें मुसीबतों में डालते रहते हैं। आज एक कॉम्पिटिशन है जिसकी वजह से ये कुश्ती हो रही है, कुश्ती फ्री स्टाइल कुश्ती हो रही है, जो भी जीतेगा उसे जो चाहिए वो मिलेगा। जैसे सूरज को इस वक्त कपड़े चाहिए, उसे बहुत ठंड लगती है, बीमार रहता है, और विवान को पैसे चाहिए क्योंकि उसके ऊपर केस चल रहा है। लेकिन आखिर में जीत विवान की होती है शायद, आपको फिर से मैच मिल गई। जी हाँ, आपने देखा होगा कैसे जीत हुई उसकी, और बहुत कोशिश की सूरज ने, लेकिन देन एंड में विवान जीत जाता है और वो जो है अब गलत लोगों के साथ काम करने वाला है, सूरज के पास कपड़े नहीं हैं, सो पता नहीं कब तक मैं रहूँगा ऐसे। अच्छा, मेहनत के निशान आपके पूरे बॉडी पर दिख रहे हैं हमें, कहीं कहीं लग गई असली चोटें हैं, मेकअप के नीचे भी हैं कुछ, बट इट्स ओके, एक्शन करने के टाइम थोड़ा बहुत तो लगता ही है, सो आई वुड से कि घर पे मत कीजिए ये सब, हम लोग थोड़ी सेफ्टी वगैरह के साथ करते हैं, फिर भी हमें चोटें लग जाती हैं, तो घर पे तो मत करना कुछ भी। ओके, लास्टली ये पूरा दंगल का सेटअप देख कर, ये पछाड़ करके शायद दंगल मूवी की कहीं ना कहीं याद आई होगी, ऐसा लगा हुआ तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी? या ऑफ कोर्स, मैंने ट्रेलर्स देखे हैं मूवी के, अभी तक मैं देख नहीं पाया हूँ बिकॉज टाइम नहीं मिला मुझे, बट हाँ सुल्तान और दंगल की बहुत याद आ रही है, और काफ़ी ये सुल्तान टाइप रेसलिंग है बिकॉज हम इसमें किक्स भी दे रहे हैं, पंचेस भी दे रहे हैं, सो हम वैसे भी सलमान खान फैन हैं, सो वी आर एंजॉयिंग इट। थैंक यू। थैंक्स।